गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आर के सिंह यूट्यूब चैनल से। आपके सिलेबस में नया चैप्टर जुड़ा है, इसका नाम है विजी समीकरणों के संख्यात्मक समाधान, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। ये सिलेबस में पहली बार जुड़ा हुआ है आपका। ये चैप्टर 9 है, उसका पहला लेक्चर है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि पहली बात तो कुछ चीज़ें का आप हाई स्कूल पढ़े थे कि पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलीनोमियल फंक्शन का जीरो और पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप 9th 10th में पढ़े हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि बहुपदी फलन क्या होता है, पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो इसकी परिभाषा यह है कि फलन एफ एन एक्स बराबर ए ज़ीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस .. ए एन, जहाँ ए ज़ीरो नॉट इज इक्वल टू जीरो और एन कोई पूर्णांक है, तथा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन ये सब अचर राशियाँ हैं। तब चर एक्स का एन घात का बहुपद फलन कहलाता है। बहुपद फलन का शून्य क्या है? जीरो ऑफ पॉलीनोमियल फलन। यदि अगर कोई ऐसा फंक्शन है, एन टर्म का फंक्शन है, पी पी एन एक्स है, अगर बहुपदी फलन है तो अगर उसको बराबर हम जीरो रख दें तो ये हमारा बहुपदी समीकरण कहलाएगा। और यदि अल्फा कोई वास्तविक संख्या हो तो पी एन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा को पी एन एक्स का शून्य अथवा बहुपदी समीकरण पी एन एक्स बराबर जीरो का मूल कहा जाएगा। समीकरण मूल प्राप्त की कितनी विधियां? मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशंस। समीकरण के मूल प्राप्त की विधियों के बारे में हमें इसमें इस चैप्टर में चर्चा करनी है। इसकी अनेक विधियां हैं जिसमें से आपके सिलेबस में पहला है सम द्विभाजन विधि या बाईसेक्शन विधि, दूसरा है बी पॉइंट है रेगुला फालसी विधि, सी पॉइंट है न्यूटन रैप्सन विधि और डी पॉइंट है गॉस विलोपन विधि। तो चलिए हम बारी बारी देख लेते हैं कितनी विधि का बारे में आपको देखना है। बाईसेक्शन, रेगुला फालसी, न्यूटन रैप्सन, गॉस एलिमिनेशन, मतलब सम द्विभाजन विधि, रेगुला फालसी विधि, न्यूटन रैप्सन विधि और गॉस विलोपन विधि। तो मूलों का अंतराल का निर्धारण कैसे किया जाएगा, पहले उसको देख लिया जाए कि अगर कोई फलन एफ एक्स ए और बी के भी अंतराल में है तो, और एक वास्तविक और सतत फलन है तो एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो होगा। एफ ए पहले एफ ए का मान रख निकाल लें और एफ बी का मान निकाल लें, दोनों को गुणा कर दें तो उसका मान जीरो से कम होगा, तथा एफ एक्स बराबर जीरो का कम से कम एक मूल ए तथा बी के बीच होगा। सम द्विभाजन विधि, बाईसेक्शन विधि ये क्या आ गया, इसके बारे में देख लिया जाए कि यदि समीकरणों का मूल प्राप्त करने की या समीकरणों का मूल प्राप्त करने की विधि है इसमें एक अंतराल को बार बार समद्विभाजित कर वास्तविक मूल के लिए एक उप अंतराल का निर्धारण किया जाता है जिसमें मूल स्थित होता है। वर्किंग रूल के बारे में देख लिया जाए। देखिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है आपके लिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा आपको, कम से कम एक बार दो बार जब तक तीन बार इसके बारे में आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। वर्किंग रूल ये है कि मान लिया कोई भी अगर फंक्शन है उसको एफ एक्स पहली बात मान लेंगे जो वास्तविक रियल होगा तथा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, तथा एफ ए और एफ बी अलग अलग निकाल लेंगे और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान जीरो से कम मतलब माइनस अगर है तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को एफ एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, जीरो के रूप में लिख लेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि
वास्तविक संख्या ए तथा बी को इस प्रकार विभाजित कर इस प्रकार प्राप्त करेंगे कि एफ ए का मान जीरो हो और बी का मान जीरो हो और उसका गुणांक दोनों को गुणा करें तो उसका मान भी जीरो से कम हो। मतलब एफ ए का मान भी एक्स की जगह ए रखें और उसको साल करें तो उसका मान जीरो से कम हो, मतलब निगेटिव हो, और फिर एक्स की जगह बी रखें और उसका मान भी निकालें तो उसका भी मान जीरो से कम हो, और दोनों एफ बे और एफ ए और एफ बी का दोनों के मान को अगर आपस में गुणा करें तो मान भी आपका जीरो से कम होगा। उसके बाद हम तीसरे स्टेप पे बढ़ेंगे, तब हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप क्या करेंगे, अंतराल ए बी को समद्विभाजित करेंगे, मतलब ए बी को दो भागों में बांटेंगे, मतलब ए प्लस बी बाई टू विभाजित करेंगे और मध्य बिंदु एक्स वन प्राप्त करेंगे। मतलब ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा, इसको देखिए आप, ए और बी चूँकि यहाँ यहाँ ये अब आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और मिड पॉइंट आपका एक्स वन की बात करें तो ए प्लस बी बाई टू है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हमें x1 मिल जाएगा। अब जो x एफ एक्स है, जो मान है एफ एक्स दिया हुआ है, उसमें x की जगह x1 का मान रख देंगे, a प्लस बी बाई टू रख देंगे, और इसका हम चिन्ह देखेंगे कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। मान लीजिए अब इसमें दो स्टेप आता है, पहला पॉइंट इसमें ये है कि यदि एफ वन एक्स जीरो है, जीरो से कम है, मतलब ये जो मिड पॉइंट आया है आपका, ये अगर जीरो से कम है तो इसका जो मूल होगा, आपको इसी पॉइंट पर ध्यान देना है कि अगर एफ वन एक्स जीरो से कम है तो इसका जो मूल पॉइंट आपका होगा एक्स वन और बी के बीच होगा, एक्स वन मतलब यहाँ से यहाँ के बीच होगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, एफ एक्स टू प्राप्त करेंगे, एक्स की जगह आपकी बार एक्स टू रखेंगे। बी पॉइंट को बारे में देखा जाए कि अगर बाय द वे एफ एक्स वन का मान, ये मान अगर जीरो से ज़्यादा हो जाए, मतलब पॉजिटिव हो जाए, तब हमारा मूल ए और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा। बात को समझ रहे हैं ना, पिछले में कहाँ हुआ था हमारा, जब ये हमारा जीरो से कम था तब हमारा एक्स वन तथा बी के बीच था, मतलब इसके और इसके बीच, मतलब कहीं यहाँ कहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगले स्टेप हमारा क्या है, जब एफ वन एक्स हमारा ये जीरो से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है, तो हमारा मूल ए और इसके बीच होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा। इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसी को समझिएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, तब एक्स टू निकाल लेंगे, तो एक्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए और प्लस एक्स वन बाई ए हो जाएगा। और पिछले में आपने देखा एक्स टू क्या था, जब एफ वन एफ एक्स वन जीरो था तब क्या था, तो हमारा था एक्स वन प्लस बी बाई टू, मतलब इसके बीच था। इसके बाद अगला पॉइंट हम क्या करेंगे, अब एक्स की जगह एक्स टू रख दिया, एफ एक्स टू रखेंगे, उसका चिन्ह देखेंगे वो प्लस है कि माइनस। इस तरह से इस प्रक्रिया को मूल शून्य के करीब होने तक या अपेक्षित लगभग शुद्धता का मूल प्राप्त होने तक दोहराया जाता है। हम ऐसे चलते जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा जो पहला स्टेप था कि एफ एक्स को हम जीरो के रूप में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या करेंगे कि ए और बी जो पॉइंट है, एक बार एफ ए रखेंगे, ए एक्स जगह ए रखेंगे, वो लेस देन जीरो है, और बी रखेंगे वो लेस देन जीरो है, और दोनों को गुणा करें तो लेस देन जीरो आना चाहिए, तब जीरो लेस देन जीरो आएगा, तब तीसरे स्टेप हम बढ़ेंगे। अब फिर ए बी अंतराल को दो भागों में बांटेंगे, ए और बी के बीच एक्स वन है तो दो एक्स वन मान लें मिड पॉइंट है आपका, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ये आया है एक्स वन का मान ए प्लस बी बाई टू, अब एक्स की जगह मान रख देंगे, वहाँ से चिन्ह ज्ञात करेंगे। सपोज करिए एफ एक्स वन का मान हमारा क्या रहा है, एफ जीरो से कम आ रहा है, तब हमारा जो
मिड पॉइंट होगा एक्स वन और बी के यहाँ और यहाँ के बीच का ही यहीं होगा, यहाँ होगा। और यही मान अगर यह एक्स वन जीरो से ज़्यादा हो जाएगा तब हमारा मान ए और एक्स वन के बीच होगा। ठीक, वही चीज़ हमने बताया है। और इस प्रक्रिया को आगे तक ऐसे करते जाएंगे और हमें जो है किसी भी क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, पहली बार आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको। और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि समीकरण एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो के मूल का तृतीय लगभग मान बाइसेक्शन विधि, सम विभाजन विधि द्वारा आपको निकालना है। जो कोई चीज़, कोई चैप्टर टॉपिक जब सिलेबस से जुड़ता है तो उस दौरान हम ध्यान नहीं देते हैं, बाद में पेपर में आता है तो हम यही कहते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से पूछ दिया था। लेकिन सारे क्वेश्चन, सारे जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके सिलेबस से ही होते हैं, वो बात दूसरी है कि आपका ध्यान वहाँ तक गया हो या ना गया हो। तो इस सिलेबस में नया जुड़ा है और आगे जुलाई से क्लासेज आपकी चलनी ही चलनी है, क्या ऐसे कि ऐसा उम्मीद की जा रही है कि कोविड लगभग समाप्त हो जाएगा, जुलाई से कॉलेज चलेगा, आपको पेपर देना है। आप इसके इस उसमें असमंजस मत रहिएगा कि हम प्रमोट कर दिए जाएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि आप लोगों का जो पेपर होना है वो मान चलिए कि अगस्त सितंबर तक जा सकता है। तो ऑनलाइन तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा जितने भी नए कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको एक दिन में दो दो तीन तीन पीरियड लेके मैं पूरी मैथ को ख़त्म करूँगा। चलिए हालांकि वो तो बात की बातें हैं। क्वेश्चन है कि समीकरण अगर एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो के मूल का तृतीय लगभग मान निकालना है बाइसेक्शन विधि से, किस विधि से, सम विभाजन विधि से आपको निकालना, बाइसेक्शन विधि से निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या मानते हैं, वही तब दिया गया था कि जो भी अब दिया रहेगा उसको हम एफ एक्स मान लेंगे। ठीक, हमने मान लिया एफ एक्स। दूसरा क्या करेंगे कि एक बार एक्स वन की जगह एफ एक्स की जगह वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वन रखेंगे तो वन क्यूब माइनस वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो ये लेस देन कितना हो गया, जीरो। तो एफ वन का जो मान, ये मान आपका कौन सा है, एफ वन का है कि एफ की जगह एक्स की जगह आपने वन रखा है, ये माइनस दो आ गया जो कि जीरो से कम है। और एक बार फिर रखा एक्स बराबर दो रखा तो आपने देखा कि ये चार आया जो कि जीरो से बड़ा है। अब आप सोचें कि जीरो क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसमें सीधे दिया गया है कि जो अंतराल होगा ए से बी के बीच में, क्योंकि एक्स का मान हम एक दो तीन इसी तरह से रखेंगे जब तक कि वो दिया ना हो कि जीरो रखना है। उसके बाद अगला स्टेप है कि एफ ए इंटू एफ बी का मान भी जीरो से कम होना चाहिए। तो एफ ए का जो मान, एफ एक्स एफ वन का जो मान है माइनस दो है और एफ टू का मान है चार है, तो चार गुणे माइनस दो कितना, माइनस आठ जाएगा। तो दोनों का जो गुणा करेंगे एफ वन इंटू एफ टू आएगा माइनस आठ जो कि जीरो से क्या है, कम है। अतः इसका मूल क्या होगा, अब तो दोनों को जोड़ के दो से भाग दे देंगे। भाई यही तो हमने देखा है, इसका जब मूल, पहला पॉइंट देखें कि ए और बी जब समद्विभाजित कर रहा है तो एक्स वन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है आपका एफ वन और एफ टू दोनों है ना, तो एफ वन और टू के बीच होगा। इसका मान मतलब लगभग एक्स वन हो गया आपका वन प्लस टू बाई टू मतलब थ्री बाई टू, ये एक्स वन हो गया। अब क्या करें, एफ एक्स वन मान निकालें, मतलब एक्स की जगह चूँकि एफ एक्स है एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस टू, तो एफ एक्स एफ थ्री बाई टू का मान निकालें, मतलब एक्स की जगह थ्री बाई टू रखें। देखिए वही किया गया है, तो ये आपका थ्री बाई टू आया। अब ये थ्री बाई टू क्या है, जीरो से कम है या ज़्यादा, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि थ्री बाई टू आपका बिल्कुल बीच में है, कैसे है, एक्स वन बराबर वन प्लस टू बाई टू तो थ्री बाई टू आया, तो बिल्कुल बीच में एक्स वन आपका आ गया। एक और दो के बीच में जो एक्स वन का मान आया आपका कितना आया, थ्री बाई टू।
अब यह एक्स वन रखेंगे जैसे कि पहले आपने रखा है, तो चूँकि यह एक्स बराबर क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू, तो यफ एक्स वन मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वन बराबर थ्री बाई टू है, तो थ्री बाई टू का होल क्यूब माइनस थ्री बाई टू माइनस टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जा रहा है माइनस वन बाई टू, जो कि ये जीरो से कम है। अब ये जीरो से कम है, बात को समझिए, अगर ये जीरो से कम है तो जब जीरो से कम है तो ऐसी कंडीशन में ये किसके किसके बीच में हो जाएगा, दो और तीन बटे दो के बीच में ये पॉइंट होगा, यहाँ ही पॉइंट होगा। अगर ज़्यादा होता तब कहाँ होता, तब यहाँ होता। इसका मतलब कि कम है, जीरो से कम है, तब हम ये और ये जोड़ के भाग दे देंगे दो से, तब मिड पॉइंट हमारा हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस टू बाई प्लस टू बाई टू। अगर ज़्यादा होता तब क्या करते, वन प्लस थ्री बाई टू होल बाई टू करते। बात पकड़ में आ गई, ये चीज को ये है, तो इसका मतलब कि मूल दो और तीन बटे दो के बीच होगा, तो उसका दो तीन मान क्या हो जाएगा एक्स टू, वहीं बोले ना टू प्लस थ्री बाई टू बाई टू बराबर सेवन बाई फोर, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। अब बताइए सेवन बाई फोर जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो थ्री बाई सेवन बाई टू कहाँ पर है बिलोंग कर रहा है, थ्री बाई टू और टू के बीच बिलोंग कर रहा है, और कंडीशन यहाँ पे एक आ रही है कि ये ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब कि इसका जो मान होगा थ्री बाई टू और सेवन बाई टू के बीच होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा, तो इसका मतलब जो आप अगला मान जो निकालेंगे एफ एक्स टू जो निकालेंगे, पहले एफ एक्स टू का मान देख लीजिए, हाँ अगला जो मान निकालेंगे ये कितना माना है सेवन बाई फोर बीच बीच में पड़ गया, तो पहले एफ एक्स टू आप निकालिए, अब सेवन बाई टू रखिए एक्स टू की जगह, इसके पर क्या रखा थ्री बाई टू रखा था, क्यों, क्योंकि बीच का मान एक्स वन कितना थ्री बाई टू था, तो एक्स की जगह आपने थ्री बाई टू रखा था, तो दिखाते जीरो था, तब आप इससे क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकला था कि ये दो और थ्री बाई टू के बीच था। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, एक्स टू कितना सात बटे दो, तो पहले एक्स टू का मान निकाल दीजिए सात बटे दो रख के, आ रहा है कितना सात बटे दो का क्यूब माइनस सात बटे चार एफ सेवन बाई फोर रखिए, सात बटे चार का क्यूब माइनस सात बटे चार माइनस दो, इसको आप सॉल्व करिए तो 103/64 आ रहा है। अब ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कि एफ वन जबकि हमारा एफ एक्स टू जीरो से कम है, और एफ टू मतलब सेवन बाई फोर जीरो से ज़्यादा है, तो किसके किसके बीच हो जाएगा तीन बटे चार और सात बटे सॉरी तीन बटे दो और सात बटे चार के बीच होगा। इसका मतलब तृतीय मान आपका हो जाएगा सात बटे चार धन तीन बटे दो बटे दो। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.625 आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर सीखिए, पहला क्वेश्चन है, इसको दो बार तीन बार हम कराएंगे, दो बार कराएंगे इसको। देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन है कि समीकरण एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो के मूल का लगभग तृतीय मान बाईस एक्स विधि द्वारा निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, जो मान दिया हुआ एफ एक्स मान लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक बार एक्स जगह वन रखेंगे तो ये एफ वन का आ जाएगा जो कि माइनस दो आया, जीरो से कम आया। दूसरा वन एक्स जगह टू रखेंगे तो एफ एक्स टू आ जाएगा, तो ये मान हमारा जब चार रहा है इसके जो कि जीरो से ज़्यादा जा रहा है। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू मतलब एफ वन और एफ टू को गुणा करें, वो भी मान अगर जीरो है से कम है तब हम ये मानेंगे कि एफ वन वन और टू का जो मान है मूल जो है उसके बिल्कुल बीच होगा। तो हमने देखा कि एफ वन इंटू एफ टू गुणा किया तो लेस देन जीरो आया, मतलब माइनस दो गुणे चार कितना आया माइनस आठ, जो कि जीरो से कम है। इसका मतलब ये हो गया कि मूल हमारा एक और दो के बीच होगा। तो मूल का प्रथम लगभग मान मतलब जिसको हम एक्स वन से डिनोट कर रहे हैं वो आ जाएगा वन प्लस टू बाई थ्री, देख रहे वन और टू, तो एक्स वन जो हमारा मान आया क्या थ्री बाई टू आया। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स की जगह
क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू है, तो एक्स की जगह ये जो बीच वाला बीच वाला मान एक्स वन का मान उठा के इसमें रख देंगे। अब ये देखें क्या आया, ये आया लेस देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वन इसका मान के हमारा जो अगला जो मूल होगा लेस देन जीरो, इसका मतलब कि हमारा जो अगला मान होगा मूल होगा वो दो और तीन बटे दो के बीच में होगा। यही पॉइंट समझने वाली बात है, क्योंकि ये माइनस है लेस देन है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको नीचे ले लिया जाए। देख रहे हैं ये क्या है लेस देन जीरो, इसका मतलब कि इसका मान इसके और इसके बीच होगा। अगर यह ग्रेटर जीरो होता तब इसका मान हमारा यहाँ यहाँ होता, लेस देन जीरो है तो इसका मान कहाँ है हमारा यहाँ है आ रहा है, ग्रेटर जीरो से कहाँ आता यहाँ आ रहा था आता। तो दो हमारा मूल अगला मूल जो होगा दो और तीन बटे दो के बीच हो जाएगा, तो मूल का लगभग मान क्या हो जाएगा एक्स टू बराबर टू प्लस थ्री बाई टू बाई टू। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एक्स वन था किसके किसके बीच था वन और टू के बीच था, और यहाँ पे जो हमारा एक्स टू पॉइंट आ रहा है वो किसके बीच है दो और तीन बटे दो के बीच। तो यहाँ पे आपका तीन बटे दो है, यहाँ पे आपका दो बटे दो और तीन बटे दो के बीच कितना आ जाएगा एक्स टू आपका सात बटे चार आ जाएगा। अब देखिए एक्स टू को सात बटे चार आया तो ये अपनी जगह आप सात बटे चार रख देंगे, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे एक्स वन तीन बटे दो आया था तो एफ एक्स में एक्स की जगह तीन बटे दो रखे थे, तो इसी तरह से यहाँ पे एक्स टू सात बटे चार आया है तो एफ एक्स टू मतलब एक्स टू एफ एक्स टू की जगह रख देंगे सात बटे चार रख देंगे, तब इसका जो मान आया हमारा कितना ग्रेटर देन जीरो। अब यहीं पे पॉइंट भान देने वाली बात है, अब ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मान मतलब क्या हुआ कि ये जो मान हमारा आएगा ये तीन बटे दो और सात बटे दो के बीच हो जाएगा। एक मिनट, मतलब कि इसके बीच और इसके बीच हो जाएगा, तो अगला मूल क्या हो जाएगा तीन बटे दो और सात बटे चार हो जाएगा। अब हमारा तीन बटे दो और सात बटे चार हो जाएगा, जोड़ दिया तो हमारा एक्स थ्री हो गया, कितना हो गया 1.625 हो गया। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन साठ में देख रहे हैं, इतने खाके हम नहीं तैयार करेंगे कि समद्विभाजन विधि का तीन बार प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बराबर जीरो का वह मूल ज्ञात करें जो जीरो तथा तो चार के बीच में हो। देखिए यहाँ ए जीरो दिया है और बीच चार दिया ही है, इसका मतलब कि एक्स जगह एक बार जीरो रखेंगे एक बार चार रखेंगे, फिर दोनों को हम गुणा करेंगे, ऐसे करेंगे। चलिए पहले क्या रखा, एफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बराबर जीरो है, पहले जीरो और चार है तो एफ जीरो रखिए तो हमारा आया माइनस पाँच जो कि जीरो से कम है, और एफ फोर रखा एक्स का चार रखा तो आया ग्यारह जो कि कितना है जीरो से ज़्यादा है। अब है कि दोनों को गुणा करने के बाद हमारा लेस देन जीरो आना चाहिए, मतलब एफ ए इंटू एफ बी मतलब जब जीरो इंटू एफ फोर लेस देन जीरो कब आएगा कि अगर माइनस पाँच में ग्यारह से गुणा करेंगे तो माइनस पचपन आएगा जो कि जीरो से कम है। तो अब अगला मूल इसका क्या हो जाएगा जीरो और चार के बीच होगा, तो यहाँ ही पे देख लीजिए एक ही लाइन सब समझा दें कि यहाँ है जीरो और यहाँ है चार, तो अगला जो पॉइंट है हमारा जीरो और चार के बीच में मतलब कौन सा है ये कितना आया दो आया। अब क्या निकालेंगे एफ एक्स वन निकालेंगे, मतलब एक्स वन की जगह एक्स की जगह दो रखेंगे, तो दो रखे तुम्हारा क्या आ गया माइनस वन आ गया। ठीक, तो ये लगभग इसका द्वितीय मान हो गया। अब क्या करें कि एफ टू और एफ फोर से एफ टू आपने देखा रखा, ठीक
और अभी जो आप यफ टू जो मान रखा और यफ फोर का जो मान निकाला आपने, माने यफ फोर जो मान निकाला आपने, अलेवन आया, ठीक। तो इसके बीच का मूल क्या हो जाएगा, चूँकि एफ टू लेस देन जीरो है, एफ फोर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो दो और चार के बीच का जो मान आएगा आपका, आप उसको देख लीजिए, टू प्लस फोर बाई टू, यहाँ देख लीजिए, चूँकि एफ टू हमारा क्या आया है, माइनस वन निगेटिव आया ना, किसके किसके बीच हो जाएगा, तब दो और चार के बीच में हो जाएगा, यहाँ और यहाँ के बीच में। अगर ये पॉजिटिव आता तब कहाँ होता, तब यहाँ कहीं होता, तो पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब कहाँ होगा हमारा, इसके इसके बीच होगा, मतलब ये यहाँ होगा, दो प्लस चार बटे दो, तो क्या हो गया हमारा तीन। अब देखिए, अब फिर यक्स थ्री यक्स टू का मान निकालिए, यफ की जगह क्या रखिए, यफ थ्री, तो ये आया चार, ठीक। अब ये चार आ गया तो यफ टू और यफ थ्री का मान, अब एफ टू का मान आप देखिए माइनस वन है, और यहाँ पे एफ थ्री का मान आप रखा तो चार है, तो दोनों गुणा किया तो कितना हो गया, माइनस चार हुआ, तो और तो क्या हुआ, जीरो से कम है, तब दो और तीन के बीच ये मान होगा, एफ टू और एफ थ्री दो और तीन के बीच मान होगा, तो एक्स टू तो एक्स थ्री का मान कितना हो गया, दो प्लस तीन बटे दो, दो दशमलव पाँच। अब इसका मान फिर एक्स की जगह रखिए, एक्स क्यूब दो दशमलव पाँच का होल क्यूब, अरे सॉरी दो दशमलव पाँच के स्क्वायर माइनस पाँच, कितना 1.5। ये क्या हो रहा है, यफ देखिए, ये हमारा यफ थ्री आ रहा है ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब कि ये मान किसके किसके बीच आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये मान हमारा दो और तीन के बीच में आ जाएगा, दो और दो दशमलव पाँच के बीच में आ जाएगा। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ गया, 2.2 प्लस 2.5 बाई 2, तो क्या गया 2.25। इस तरह से हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। अगला लेक्चर, ये चैप्टर 9 का पहला लेक्चर था, जो कि बाइसेक्शन विधि को हमने देखा, बाइसेक्शन विधि मतलब समद्विभाजन विधि देखा। अगले लेक्चर में चैप्टर 9 का दूसरा लेक्चर 2 में हम देखेंगे रेगुला फाल्सी विधि, उससे हम जो उस विधि से मूल को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सबक खैर, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।